देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए 19 सूत्री मांगों को पूर्ण करवाने के लिए विधायक मोहनलाल बड़ोली के घर का घेराव किया। इस दौरान हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए गुस्साए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि नोटिस एवं छटनी करने से आंगनबाड़ी वर्कर्स डरने वाली नहीं है। दमन का रास्ता छोड़कर बातचीत के माध्यम से पूर्व में किए गए समझौते एवं घोषणाओं को लागू किया जाए, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद हरियाणा सरकार की होगी। सोनीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। सरकार ने खुद लागू किया था, बोला था, घोषणा की थी, वो आज तक लागू नहीं किया। उन्हीं मांगों को लेकर हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर किया है और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे इसके लिए महीना, दो महीने, छह महीने लग जाएंगे। सेंटर के महकमे में बाल विकास विभाग में खुद केंद्र सरकार अपने विभाग में न्यूनतम वेतन लागू नहीं करिए। वही 2018 में ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में और पूरे देश की जनता के सामने ऑनलाइन करके आंगनवाड़ी वर्करों को दिवाली के मौके पर तोहफे के रूप में वर्कर को 1500 रुपये, हेल्पर को 750 रुपये की घोषणा की थी। और आज तक हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो घोषणा है 1500 और 750 की, उसको भी लागू नहीं किया है। ये मसले हैं जो जिन पे पैंच फंसा हुआ है, जो कानूनी है, मांग नहीं है, समस्या है जो हरियाणा की सरकार पैदा कर रही है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेटियों को नौकरी से निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं। अब आप तय किए गए समझौतों को लागू नहीं किया जा रहा है। पोषण करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम ये धरना हमारा चलता ही रहेगा। आज अगर सेंट चौक पे प्रदर्शन करने का क्या मतलब जी? आज अगर सेंट चौक पे हमें इकट्ठे हुए हैं सारी हेल्पर वर्कर, बहुत जोर तादाद में हैं, और हम मोहनलाल बड़ोली की कोठी का घेराव करेंगे और ऐसे हम रमेश कौशिक की कोठी का घेराव करेंगे। जो भी मंत्री हैं इसमें कोई भी है, पक्ष विपक्ष वाला, हम सब की कोठियों का घेराव करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।